शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत किया जाता है। इसे माघी चौथ, सकट चौथ और तिल चौथ कई नामों से जाना जाता है। माघ मास की यह चतुर्थी साल की बड़ी चौथ मानी जाती है। इस दिन संतान की दीर्घायु के लिए माताएं व्रत रखकर विधि पूर्वक पूजन और पारण करती हैं, जिससे उन्हें शुभ फल प्राप्त होते हैं। दर्शकों, आइए जानते हैं माघ सकट चौथ व्रत तिथि, पूजा और पारण का मुहूर्त, चंद्रमा को अर्घ देने की विधि और चतुर्थी का व्रत क्या खाकर खोलना चाहिए इसके बारे में। साल 2024 में सकट चौथ का व्रत 29 जनवरी दिन सोमवार को रखा जाएगा। यह दिन गणपति जी को समर्पित है। यह व्रत संतान के लिए शुभ फलदायी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि संकट चौथ के व्रत को निर्जल निराहार करते हुए पूरा किया जाता है। सकट चौथ व्रत के दिन संध्या के समय पूरे विधि विधान से प्रथम पूजनीय भगवान गणेश की पूजा कर रात्रि में चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रमा को अर्घ देने के पश्चात ही व्रत खोला जाता है। 29 जनवरी को रात्रि के 9:10 पर चंद्रमा उदय होगा। चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत का पारण करें। संकट चौथ के दिन चंद्र पूजन के बाद ही व्रत पूर्ण माना जाता है। चतुर्थी के दिन चंद्रोदय के समय व्रतधारी को चंद्र पूजन की तैयारी करनी चाहिए। शंख में दूध, दुर्वा, सुपारी, अक्षत, गंध डालकर भगवान श्री गणेश जी का पूजन करें और चंद्रदेव को अर्घ दें। अर्घ देने के बाद धूप, दीप, तिलकुट, तिल से बने लड्डू व गुड़ चंद्रदेव को अर्पित कर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। शास्त्रों में संकष्टी चतुर्थी संकटों को हरने वाली मानी जाती है, इसलिए पूरे विधि विधान के साथ व्रत के बाद पारण करना चाहिए। इससे व्रत का पुण्य फल मिलता है। व्रत का पारण व्रत खोलने को कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार संकट चौथ व्रत का पारण चंद्रमा को अर्घ देने के बाद जल ग्रहण कर या फिर पूजा में चढ़ाए फल, दूध या तिलकुट का सेवन करना चाहिए। बहुत सी जगहों पर लोग शकरकंदी और चावल की खीर से व्रत समाप्त करते हैं। व्रत हमेशा मीठे के साथ ही खोलना चाहिए।